अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के MCQs, और जो हम अभी हम सिंध की बायोलॉजी के MCQs कवर करेंगे जो सिंध की न्यू बुक है। चलें स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज़, सेल फ्रैक्शनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एक सेल लेते हो, उस सेल की लाइक उस सेल को घुमाते हो, उसकी होमोजेनाइजेशन कराते हो, वो सेल हाई स्पीड पर रिवॉल्व करता है, सर्कल में घूमता है। जब वो रिवॉल्व करता है तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। अब ये टेक्निक बार बार करते हो जब तक आपको सारे पार्टिकल अलग ना हो जाएँ। और ये क्यों कर रहे होते हो यार? इसलिए करते हो ताकि आप उस चीज़ को पढ़ सको ना, उसके फंक्शन जान सको। तो यही पूछ रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेल फ्रैक्शनेशन का क्या होता है, ताकि आप मेजर ऑर्गेनलीज जो हैं सेल के उन्हें पार्टिकुलर फंक्शन सेपरेट करके उनका पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो जान सको। तो यही है इसका ऑब्जेक्टिव। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए क्या था कि आप सेल मेम्ब्रेन को देख सको, तो उसको देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। सेल मेम्ब्रेन कोई एक ऑर्गेनली नहीं है। आइडेंटिफाई द एंजाइम आउटसाइड ऑर्गेनलीज, इसके लिए भी नहीं करते। साइज बताने के लिए, हाँ साइज के लिए कर सकते हैं, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई आप कर क्यों रहे हो? इसलिए कर रहे हो ताकि आप ऑर्गेनलीज को अलग करो और फिर उनका फंक्शन बता सको, ठीक है? तो इसलिए हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू है कि वॉल्यूम इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज़ ऑफन मच लार्जर। जो वॉल्यूम जो है, जो प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल की वॉल्यूम। इसका रीज़न क्या है? ओके, पार्ट वन इज़ कि जो प्लांट सेल होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ हैविंग मच हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देन एनिमल सेल। यार ये कुछ जवाब नहीं है। देखो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो एनिमल सेल का भी कहीं कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये प्लांट सेल की खासियत ऐसी नहीं है कि वो ये हमेशा रखते हैं, ठीक है। इस वजह से ये नहीं होता कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब होते ना कि यार आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आपने अच्छे मार्क्स लाने, तो अगर आपको पता है कि आपने अच्छे मार्क्स लाने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने अंदर ज़्यादा वॉल्यूम लेता है प्लांट सेल वाला, वो क्यों लेता है, ऐसा क्या होता है? भाई उसका रीज़न सिंपली ये है कि प्लांट सेल के अंदर ना एक लार्ज वैक्यूल होता है, उस लार्ज वैक्यूल के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम जमा हो जाता है, तो फिर जो आपका लाइक साइटोप्लाज्म होता है वो खाली हो जाता है, तो फिर उस साइटोप्लाज्म के अंदर और वॉल्यूम डाल सकते हो। तो वैक्यूल के अंदर भी वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी वॉल्यूम है, तो हम कह सकते हैं कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग उस जो प्लांट सेल है उसका ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसके अंदर। रीज़न इज़ दैट उसके अंदर बड़ा वैक्यूल होता है जो कि वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को कम कर देता है। जब उसकी साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम कर देता है तो उसके अंदर आप और ज़्यादा वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। एनिमल सेल आर स्फेरिकल, प्लांट सेल आर इलोंगेटेड, ये भी आंसर नहीं है। प्लांट सेल हैव मच मोर कन्वोल्यूटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन एनिमल सेल, नहीं ये भी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसा नहीं है। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तकरीबन सेम होती है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है जो उसकी वॉल्यूम को कम कर देता है, तो इस वॉल्यूम जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो जाता है उसकी वजह से प्लांट सेल का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो मच लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम इन एनिमल सेल, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वॉल्यूम अपने अंदर कवर कर रहा है प्लांट सेल का, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। रीज़न इज़ दैट लार्ज वैक्यूल। क्वेश्चन थ्री पे आते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट इन सेल्स। सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा राइबोसोम होते हैं जो क्या काम करते हैं भाई? वो सेल्स जो ज़्यादा प्रोटीन्स बनाते हैं ना, उनमें राइबोसोम ज़्यादा होते हैं। बिकॉज राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं, और बिकॉज हम इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं इसी वजह से ये राइबोसोम वहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ प्रोटीन ने बनना है। लिपिड्स के लिए इनकी ज़रूरत नहीं होती, ना स्टार्च और स्टेरॉइड के लिए होती है। सो प्रोटीन्स इज़ द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं एनिमल सेल में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं दे आर पैक, हम उनको ना पैक करके रखते हैं लाइसोसोम के अंदर, ताकि जो आपके नॉर्मल सेल के कंपोनेंट्स हैं वो उनको ना तोड़ सकते। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि जो आपका एनिमल सेल होता है उसके अंदर हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को लाइसोसोम में पैक करके रखते हैं, ठीक है, पैक करके रखते हैं ताकि आपके दूसरे सेल के कंपोनेंट को नुकसान ना पहुंचे। कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो कंपार्टमेंट बनाने में रोल प्ले करती है? देखो, आपकी पूरी बुक में हैरानगी की बात है, इस चीज़ का जिक्र ही नहीं है। ये सिंध की बुक को पता नहीं क्या हो गया है कि कई MCQs ऐसे आ रहे हैं जिनका कोई आपके चैप्टर से लिंक्ड ही नहीं है, बट वो पूछ रहे हैं। दे शुड हैव डिस्कस समथिंग, जब वो ऑर्गेनलीज का जिक्र कर रहे थे उन्हें उस ऑर्गेनली के फंक्शन में ये बात बतानी चाहिए थी। बट मैं आपको बता दूं कि आपके दो ऐसे ऑर्गेनली हैं जो कंपार्टमेंट बनवाते हैं, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट इज़ द करेक्ट आंसर। वो कंपार्टमेंट्स बनाता है। कंपार्टमेंट्स का मतलब है कि आपका सेल है, सेल के अंदर एक और ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका अपना DNA होगा, जिसका अपना DNA है वो थोड़ा एक तरह से कंपार्टमेंट बनवा रहा है ना,
यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसका एक अपना ही कोई घर है, यानी सेल के अंदर एक और ऐसा छोटा सा सब सेलुलर स्ट्रक्चर है जो अपना काम खुद करवा सकता है। तो हम कहेंगे हाँ ये काम कंपार्टमेंटलाइजेशन का है कि SL के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रहने की एबिलिटी रखती हो। तो जो पुराने ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे, ये कहा जाता है कि देवर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनली, यानी कि वो सेल के बाहर भी सर्वाइव कर सकते थे। इनका अपना DNA होता है ना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है। तो इसी वजह से जो कंपार्टमेंटलाइजेशन का काम है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो वी विल गो विद क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तो टे-सेक डिजीज़ है, इट इज़ अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन सेल्स एक्यूमुलेटिंग एंड बिकमिंग क्लॉग विद वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। टे-सेक डिजीज़ एक ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसमें क्या होता है, हमारे सेल्स जो होते हैं लिपिड से भर जाते हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं बिकॉज लिपिड बहुत ज़्यादा जमा हो रहा होता है। कह रहे हैं विच सेलुलर ऑर्गेनली इज़ इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन, कौन सी ऑर्गेनली है जिसमें ये मसला पैदा होता है, तो हमें ये कंडीशन होती है। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, और उस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में से एक डिजीज़ है हमारी टे-सेक डिजीज़। तो लाइसोसोम की डिजीज़ की वजह से टे-सेक डिजीज़ होती है। लाइक लाइसोसोम के अंदर वो जो लिपिड को एंजाइम, वो एंजाइम जिसने लिपिड के ऊपर काम करना था और उसको उसके डाइजेशन में रोल प्ले करना था, वो नहीं होता। जब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला वो चीज़ ही मौजूद नहीं है तो लिपिड स्टोर होता रहेगा, जिससे आपकी बॉडी में लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। कह रहे हैं विच इज़ द मेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, हमारे सेल के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे हैं, कौन से ऑर्गेनली है न्यूक्लियस के अलावा जिसका जिसके अंदर DNA होता है। अभी मैं पीछे बात करके आ रहा हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका अपना DNA होता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, और ये मौजूद है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। और जो इनका DNA होता है कौन सा होता है, 70S होता है, ठीक है, 70S इनका DNA होता है, सॉरी 70S इनका राइबोसोम होता है इनके DNA में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल, कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में भी वैक्यूल होता है लेकिन सेंट्रल पोजीशन में नहीं होता। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में होती नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में होता है जहाँ पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। कैसे सेल ऑर्गेनली विच इज़ कंसर्न विद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को जो डिटॉक्सीफाई करता है वो होता है पर ऑक्सीजोम, ठीक है। इसमें पर ऑक्सीजोम है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है एक, ठीक है, पर ऑक्सीडेज, ठीक है, जो H2O2 बनाता है और H2O2 के ऊपर फिर आपका कैटालेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको तोड़ देता है। इस तरह अल्कोहल जो है पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज हो जाता है और फिर वहाँ से कैटालेज में चेंज हो जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, और इफ़ यू वांट टू नो फर्दर अबाउट इट वॉच माय वीडियो ऑन पर ऑक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम एंड लाइसोजोम, जिसमें मैंने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया है। कह रहे हैं इमेज की जो क्लैरिटी है हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रेजोल्यूशन। कि इमेज की जो क्लैरिटी होती है हम उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, कि इमेज कितनी क्लियर नज़र आ रही है, ब्लर तो नज़र नहीं आ रही, हम इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। या फिर ऐसी लाइक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसकी मदद से हम दो पॉइंट्स को अलग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हम इसको भी रेजोल्यूशन कहते हैं। ये रेजोल्यूशन की डेफिनेशन है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है साइज को बड़ा करके दिखाना। कॉन्ट्रास्ट में होता है कि ऊपर एक कोई चीज़ विजिबल ना हो तो आप उसका बैकग्राउंड ब्लैक डार्क कर दो तो वो चीज़ विजिबल हो जाती है, इसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है चीज़ें सेटल हो रही हो नीचे, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चैप्टर सेल के MCQs डिस्कस किए, और बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स हैं ये, और ज़रूर बुक के बीच वाले MCQs किया करें बिकॉज यहाँ से MD-GAT हो या इंटर हो दोनों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, MCQs आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यू चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।